फाइनली गाइस अब ये पूरा शहर हमारा हुआ। तो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स माफी करने के कारण माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन एंडलस्टर इन चारों के चारों को जेल हो गई थी 5 साल के लिए एंड इनके बिजनेस को भी सीज कर लिया गया था। और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ था, यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रेडी टैलर का। एंड हाँ, इसी दिन से लोगों ने सोच लिया था कि एक दिन प्रेसिडेंट से बदला तो जरूर लेना है। फिर क्या था, समय बीतता गया और स्पीच इन्होंने सिर्फ एक ही दिन का वेट किया था। The plan is ready, boys. आ जाओ। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो वेलकम टू लॉस सैंटोस। एंड हाँ गाइस, अभी अभी मुझे लेस्टर का कॉल आया था एंड उसने मुझे ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन हम तीनों को बुलाया है उसके घर पे, क्योंकि उसको डिस्कस करना है वो प्लान जिसका लिटरली हम लोग 5 साल से इंतजार कर रहे थे। एंड फिलहाल ना बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी, सबसे पहले अपने को गाड़ी में बैठना है एंड निकलना है भाई यहाँ से ट्रेवर के घर। कॉज ना पहले अपने को उसके घर जाना है, उसको वहाँ से पिक करना है एंड फिर दोनों को साथ में लेस्टर के घर पे आना है। चलो भाई फिर फटाफट अपनी गाड़ी को घर से बाहर निकालते हैं। भाई ऑडी है, बहुत प्यारी ऑडी है, लेट्स गो। यहाँ से गाड़ी नीचे लेकर के चलते हैं। चलो भाई गाड़ी हम लोग बाहर लेकर के आ चुके हैं, फटाफट से चलते हैं भाई ट्रेवर के घर पे। भाई उसको पता तो है ना कि अपन लोग प्लान आज ही डिस्कस करने वाले हैं, मेरे को नहीं पता भाई। वो बंदा ना वो अलग है भाई, उसको अच्छा पता ही नहीं है भाई पूरी दुनिया का, उसको कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। मैं एक सेकंड उसको ना एक बार कॉल करके बता भी देता हूँ यार। ऑलराइट गाइस, और मैंने ड्राइवर को कॉल करके बता दिया है कि देख भाई आज हम लोग प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इसने कहा कि हाँ मेरे को पता है। भाई मेरे को समझ नहीं आता भाई, इसका ना कुछ अलग ही चल रहा होता है। ओ ये बीच रास्ते पे गाड़ी खोल के उतर रहे, क्या बंदे है भाई आके, मेरे को नहीं आ रहा समझ। एनीवेज मेरे को फिलहाल सबसे पहले तो हाईवे निकलना है, जिसके लिए अपने को शायद से सीधा जाना होता है, मे बी लेट्स गो चलते हैं। तो यहाँ से मैंने एक टर्न ले लिया एंड हाँ यहाँ से ना मेन वाला हाईवे शायद से कनेक्ट होता है। एनीवेज जैसे तैसे करके हम लोग पहुंच ही जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो। और अच्छा हाँ, मेरे को याद आ गया, लेट्स गो गाइस, इस वाले फ्लाईओवर के नीचे से ही अपने को जाना होता है। डन है भाई, गाड़ी अपने को सीधा सीधा तेज चलानी है बस और हम लोग पहुंच जाएंगे ट्रेवर के घर। एंड फिलहाल हाँ भाई, मैंने आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ भाई। लिटरली 5 साल पहले जो हमारे साथ हुआ था ना भाई, बहुत गलत हुआ था। आई नो कि हमने टैक्सेस नहीं पे करे थे, पर यार उन लोगों को बिना मतलब ऐसे ही बस मतलब टैक्स ही नहीं पे करा था, ऐसे फाइन वाइन लेकर के ना छोड़ देना चाहिए था भाई। मेरा बिजनेस छीन लिया पूरा का पूरा और ऊपर से भाई 5 साल की जेल भी हो गई भाई हम चारों के चारों को। इसलिए भाई गवर्नमेंट से रिवेंज लेना तो बनता है, गवर्नमेंट से नहीं भाई, खास करके ना प्रेसिडेंट से। कॉज जो करा था ना भाई उसी ने करा था, क्योंकि हमने ना बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जमा कर लिया था भाई, मतलब थोड़ा मोड़ा ही टैक्स वैक्स बचा करके जमा करा था, वो भी भाई छीन करके ले गए थे। एनीवेज सारा का सारा प्लान वैसे भी भाई प्रेसिडेंट का ही था भाई, उसके ना अपने पे अलग से नज़र थी यार कि ये बंदे ना कुछ गलत ही काम कर रहे हैं। एनीवेज लेट्स गो, अपने को अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हम लोग ना ऑलमोस्ट पहुँच गए, अपने को बस इस वाले रास्ते से सीधा सीधा जाना है। तो यार मैंने हाईवे से एक राइट टर्न ले लिया एंड हाँ यहाँ से अपने को बस गाड़ी हल्की सी लेफ्ट लेनी है। एक सेकंड रुक जाओ सर। हाँ अब हम लोग पहुँच गए गाइस फाइनली शैंडी शोर्स, फटाफट से यहाँ से गाड़ी राइट लेते हैं। फिलहाल यहाँ गाइस यही वाला रास्ता जाता है ट्रेवर के घर के लिए, अपने को बस थोड़ा और आगे जाना है एंड उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे ट्रेवर के घर। एंड फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रेवर के घर। ये आ गया भाई इसका घर, भाई बेचारा घर भी नहीं है भाई इसका, कंटेनर में रहता है यार। लेट्स गो, गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं, फटाफट से इसको कॉल करके इसके घर से बाहर बुलाते हैं यार। और एट इसको कॉल तो मैंने कर दिया भाई, आता होगा ये। भाई मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े 3 घंटे हो चुके हैं, ये अभी आ रहा है, देखो अभी आ रहा है, इसको मारूं मैं अभी भाई। 1 नंबर का क्या है भाई ये, और देख रहे हो भाई आप ही कैसे रहा है पूरे एटीट्यूड में भाई साहब, बंदा हो तो इसके जैसा भाई, मतलब एक तो इसको टाइम की परवाह नहीं है भाई, इतनी ज्यादा लेट से है और वैसे मौसम क्या सही हो रहा है। एनीवेज देखो यार, लेस्टर ने अपने को जल्दी बुलाया था एंड इसके कारण ना हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए भाई। वो गुस्से में प्लान ही ना बताया, ऐसा कुछ ना करते। वैसे हाँ यार फटाफट से ना गाड़ी लेकर यहाँ से वॉट, एक सेकंड, अगर जो मैंने देखा है वो सही देखा तो फिर ये कैसे हो सकता है भाई। वहां में ना लिटरली यार बहुत सारे ना आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं शायद से भाई, ये सैंडी शोर से भाई, यहाँ पे पुलिस भी घुसने से डरती है, डरती नहीं है यार, यहाँ पे ना पुलिस भी बहुत कम चांस होता है कि आती है एंड यहाँ पे आर्मी के बंदे। वेट नहीं यार, मेरे ख्याल से ना मेरे को देखने में मिस्टेक हुई है शायद से, यहाँ से देखते एक बार, वेट वो लिटरली आर्मी वाली है ना भाई, ये पक्का कोई ना कोई सोल्जर से ही। देखो यहाँ पे 1 के पास, 2 के पास गन है, 3 के पास गन है, 1 घूम रहा है यहाँ पे एंड बाकी लोग ना वहाँ पे खड़े होकर शायद से बातें कर रहे हैं। ये वैंस क्या इनकी है? नहीं भाई आर्मी वाले ऐसे वैंस में नहीं चलते भाई। वेट ये ना कुछ ड्रग्स वर्ग्स की वैन है भाई, मतलब उसमें कैनबिस लिखा हुआ है एंड वो शायद से एक ड्रग होता है, मेरे को नहीं पता। एनीवेज हम लोग एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं एंड हम लोग इधर से निकलते हैं भाई, ये कुछ अनयूजुअल सा था भाई, क्योंकि यार सैंडी शोर्स में ना लिटरली भाई पुलिस भी नहीं आती भाई।
क्योंकि ये गांव वाला एरिया है एंड यहाँ पे ना लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। एंड यहाँ पे एक आर्मी वाले लोग वो ऐसे फैंस को लेकर के, भाई ये कुछ समझ नहीं आया। एनीवेज लेट्स गो, फटाफट से यहाँ से गाड़ी ना अपनी आगे लेकर के चलते हैं। एंड हाँ, अभी मेरे को जल्दी जल्दी से लेस्टर के पास पहुँचना है, वरना ना वो प्लान ही नहीं बताने वाला भाई इस ड्राइवर के चक्कर में आज। और राइट, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है। भाई इस ड्राइवर से पूछ रहा हूँ ना कि ये क्यों लेट हुआ है, बता भी नहीं रहा, उल्टा पागल ही है भाई, ये पूरा ही पागल है। हाँ तो यार, अब जल्दी जल्दी से गाड़ी लेकर के पहुंचते हैं भाई लेस्टर के घर। भाई फ्रैंकलिन भी वहाँ पे पहुंचा हुआ है, भाई मेरे को कॉल कर रहा था थोड़ी देर पहले। भाई मैं भी पहुंचा रहा था भाई, सबसे पहले तो मैं ही पहुंचता। ये यार इसके कारण लेट हो गया भाई। भाई लेकिन ना एक बात ना बहुत ज्यादा सही हो गई है कि जेल से छूटने के बाद ना भाई अपने पे भी कोई भी केसेस चल नहीं रहे हैं। भाई देखो, हम लोग लेस्टर के घर के रास्ते पे तो पहुंच चुके हैं, पर इस ड्राइवर को ना भूख भी लग गई है, तो उसको अब खाना भी खिलाना पड़ेगा। भाई ये क्या बंदा है यार, मतलब इतना ज्यादा तो इसने लेट करवा दिया, अब उसके बाद इसको खाना खाना। एक सेकंड को वेट, यहाँ पे सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं, यहीं पे गाड़ी रोकते हैं भाई। ऑलराइट गाइस, ये गाड़ी से उतर गया, जा भाई जा। भाई गाड़ी में कहाँ घुस रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना भाई नशे में। फाइनली ये पागल चले गया भाई, मतलब क्या बोलूँ भाई इसको, कभी यहाँ पे उतर के रुक रहा है, कभी कुछ और कर रहा है भाई। एक तो वैसे ही इसने उतना ज्यादा लेट करा दिया, उसके बाद अब इसकी नौटंकी अलग ही चल रही है भाई। ऑलराइट यार, तो फाइनली ये खाना पीना खा करके आ गया भाई। भाई ये बंदा क्या है भाई, ये टाइम पास है यार, पूरा ही टाइम पास है यार। ऑलराइट, ऐसे गाड़ी फटाफट से पीछे मुड़ाते हैं एंड चलते हैं। वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लोग तो वही लोग हैं ना। वेट, और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वेट, दो दो वैन्स गई। ओह, इनकी तीसरी वाली वैन भी यहीं पे है। और ये लोग इतने धीरे क्यों चला रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और वैसे ये लोग यहाँ कहाँ पे जा रहे हैं भाई, कुछ तो गड़बड़ है यार। ऐसे ऐसे सिमिलर से वैन्स हैं इनके पास, ये लोग क्या पता पहाड़ पे क्या करने जाएंगे यार वैंस लेकर के। एनीवेज लेट्स गो, हम लोग ना फटाफट से चलते हैं भाई ट्रेवर के घर पे, लेस्टर के घर पे। भाई नाम तक ना इधर उधर हो जा रहा है इसके कारण भाई। खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, बस अपने को आगे वाले कट से एक नहीं, यहाँ वाले नहीं, इससे भी आगे वाले कट से एक राइट लेना है एंड हम लोग पहुँच जाएंगे उसके घर। ये देखो भाई, यहाँ से चलते हैं फिलहाल राइट। एंड फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं उसके घर पे। गाड़ी यहीं पे पार्क कर देते हैं भाई, इसके घर के पास तो एक पार्किंग भी नहीं है भाई, यहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, उतरते हैं भाई। वाह, अब इसके और नखड़े सुन लो, अब ये सो भी गया अंदर। फाइनली भाई ये उठ गया, सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं भाई लेस्टर के घर पे। ठीक है यार, कल सुबह बुलाया था इसने, आज सुबह पहुंच रहे हम लोग, कोई बात नहीं है, मतलब कल सुबह बीता हुआ कल। चलो भाई, ये आ गया इसका घर, फटाफट से अंदर चलते हैं। चलो भाई, हम लोग लेस्टर के घर पे आ चुके हैं भाई। ये देखो फ्रैंकलिन यहाँ पे आके खड़ा हुआ, ये अपना काम कर रहा है, और इस बेशरम के कारण लेट हुए हम लोग। तो देखो यार, लेस्टर ने मुझे अपना सारा का सारा प्लान बता दिया है। एंड बात कुछ ऐसी है ना भाई कि यार, मतलब एक बैड न्यूज है एंड एक गुड न्यूज भी है। मतलब देखो यार, बैड न्यूज ये है ना कि वो जो प्रेसिडेंट जिसने अपने को जेल में भिजवाया था, उसकी डेथ हो गई है, तो हम लोग उससे बदला नहीं ले सकते। लेकिन गुड न्यूज एट द सेम टाइम ये है ना गाइज कि उसका बेटा नेक्स्ट वाला प्रेसिडेंट बना है एंड उसके बेटे से हम लोग अपना बदला लेने वाले हैं। एंड बात पता है क्या गाइज, देखो उसका डैड तो एकदम अच्छा आदमी था भाई, उसने अच्छे अच्छे काम करे, इसलिए मेरे को पकड़वा दिया था उसने। मतलब मेरे लिए खराब है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट के लिए अच्छा काम है। पर उसका बेटा जो अभी प्रेसिडेंट है भाई, वो उसका नाम है डेविड टैनर। एंड वो ना मतलब एकदम भाई सारे के सारे स्मगलिंग वाले काम करता है भाई। एंड कितने सारे उसके लीगल बिजनेसेस खुले हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला उसका बिजनेस है भाई रोडियम मेटल का। रोडियम एक ऐसा मेटल होता है ना भाई, जो कि गोल्ड से भी ज्यादा महंगा होता है। एंड दूसरी एक ऐसी चीज की स्मगलिंग करता है ना भाई, आप सभी सोच तक नहीं सकते हो, मतलब भाई वेनम की स्मगलिंग करता है यार वो। एक ना स्कॉर्पियन होता है जिसका नाम होता है डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन, एंड उसका वेनम ना लिटरली 39 मिलियन डॉलर पर गैलन मिलता है भाई। एंड वो स्नेक्स का भी वेनम ऐसे ही भाई स्मगल करता है। एंड जो नेक्स्ट चीज है वो है भाई अपने शहर की एंशियंट चीजों की स्मगलिंग, लाइक जो स्टैचूज है पुराने जमाने के, इन सब चीजों की भी स्मगलिंग करता है भाई, एकदम खत्म है भाई। एंड अगर ऐसा प्रेसिडेंट रहा ना भाई, लिटरली पूरा शहर खत्म हो जाएगा। एंड फिलहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन ना लेस्टर ने निकाली है। एंड लेस्टर का प्लान कुछ ऐसा है ना गाइस कि हम लोग जा करके ना उसके खिलाफ कुछ प्रूफ से इकट्ठा करें एंड उसके बाद ना भाई उसको ब्लैकमेल करें कि तू अपने को 10 मिलियन डॉलर दे, वरना ये चीज हम लोग टीवी पे दिखा देंगे। क्योंकि देखो अगर ऐसे हम लोग डायरेक्ट टीवी पे दिखाएंगे ना, तो अपना कोई ऐसा फायदा वायदा होने नहीं वाला। एंड हाँ, अभी हम लोग जेल से छूट करके आए तो अपने को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड लेस्टर ने ना गाइस मेरे को एक और चीज बताई है कि वो जो स्मगलिंग करता है ना भाई, वो यार गवर्नमेंट की व्हीकल्स में करता है, जो की सारी ना सेम व्हीकल्स होती है एंड उसमें आर्मी के ऑफिशियल्स बैठे हुए रहते हैं भाई, मतलब आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए रहते हैं, ताकि ना किसी को इतना सा भी शक ना हो कि इसमें स्मगलिंग हो रही है। एंड वेट, नाउ आई एम गेटिंग इट, मैंने जो देखा था रास्ते पे अभी, 3 वैंस जा रही थी, आर्मी वाले उसको चलाकर लेकर के जा रहे थे। एंड भाई तब तो फिर पक्का भाई उसकी ही गाड़ियां थी यार, तब तो भाई उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करना ना फिर और भी ज्यादा आसान हो गया। रुको, मैंने एक बार लेस्टर को बताता हूँ ये बात। तो यार मैंने लेस्टर को ये बात बता दी है एंड इसने मुझे कहा ना कि तब तो सही है, तुम एक काम करो, तुम वहां पे जाओ एंड वहां पे ना जो प्रूफ हो सकता है भाई वो कलेक्ट करके लाओ। एंड फ्रैंकलिन जाने वाला है वेनम वाले बिजनेस में। एंड ट्रेवर कहां गया? अबे भाई ये कर दिया इसने चालू, देखो भाई उल्टी करेगा अब। भाई ये क्या है यार, ट्रेवर वैसे जाने वाला था भाई एंशियंट चीजों की, जहाँ पे स्मगलिंग हो रही है ना भाई, वहां पे जाने वाला था ये, लेकिन
जाने की हालत में लग नहीं रहा वो। एनीवेज मेरे को नहीं पता मैं चला भाई वहाँ पे जहाँ पे रोडियम मेटल की स्मगलिंग हो रही है। हाँ तो चलो यार, हम लोग लेस्टर के घर से फाइनली बाहर आ चुके हैं एंड मेरे को ट्रेवर का हिसाब ना बिल्कुल नहीं समझ में आता। एंड हाँ, मैं एक और बात बताना आप सभी को भूल गया कि लेस्टर ने ना अपने को एक गिफ्ट दिया है, मतलब हाँ गिफ्ट ही बोल सकते हैं उसको। उसने मेरे को कहा ना कि उसके घर के जस्ट पीछे उसने मस्टैंग खड़ी करी है हमारे लिए भाई, लिटरली हमारे लिए भाई, लाइक लिटरली गिफ्ट में एक मस्टैंग, वो भी 5 साल के बाद जब हम लोग जेल से छूट के आए उसके बाद। भाई सोचो उस बंदे के पास कितना पैसा होगा, ये रही वो वाली मस्टैंग। अबे लेकिन इसको अपने घर के पास ला के अच्छा है, इसके घर के पास पार्किंग ही नहीं है, बेचारे के पैर में थोड़ी दिक्कत है ना भाई, तो ये ड्राइविंग उतनी करता नहीं है, इसलिए भाई इसने पार्किंग भी नहीं बनाई हुई। फिलहाल मेरे को ऐसा कूद करके जाना पड़ेगा, लेट्स गो फटाफट से चलते हैं एंड गाड़ी में बैठते भाई। मस्टैंग यार एंड ब्लैक में क्या लग रही है भाई, इसको उतारू कहाँ से मैं भाई? मैं इसको जरा सा भी चोट देना नहीं चाहता हूँ, पर इसको शायद से चोट लगेगी थोड़ी सी। ओ वेट वेट वेट, यहाँ से उतारते ना हम लोग। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ का पोल एंड ये वाला जो भी बैरिकेड था इसको तोड़ के मैंने अपनी मस्टैंग बाहर निकाल लिया। हाँ यार, अभी मेरे को जाना है सबसे पहले उस वाली जगह पे ना जहाँ पे मैंने वो वैंस देखी थी। लेट्स गो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड हाँ, लेस्टर को मैंने बोल दिया वो मेरी ये वाली गाड़ी ना भाई भिजवा देगा मेरे घर पे अपने किसी और बंदे को बोल करके। फिलहाल तो यार हम लोग निकलते हैं भाई यहाँ से। एंड क्या लग रही है भाई मस्टैंग, एंड क्या चल रही है भाई प्यार से। और अभी मेरे को गाड़ी पे ध्यान नहीं देना, अभी फिलहाल मेरे को जाना है भाई देखने के लिए कि वहाँ पे आखिर मैं चल गया रहा। एंड अगर कुछ ऐसा एविडेंस लाइक होगा ना भाई तो मैं उधर से उठा भाई। सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है भाई कि आर्मी वाले वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये है भाई सबसे बड़ा एविडेंस भाई। ये बहुत सही गाड़ी है भाई, मस्टैंग जीटी। एंड वो भी एक बात देखी आपने भाई, ये कन्वर्टेबल है यार। ये देखो, अगर हम लोग जब चाहें ना इसकी छत खोल सकते हैं। ये देखो हो भाई, ये देखो इसकी छत खुल गई यार। सही है भाई, बहुत सही कार है। बट अभी फिलहाल अपने को काम से जाना है गाइस, इसलिए इसकी छत बंद करते हैं। एंड हाँ, उन लोगों को मैंने देखा था जाते हुए इस वाले माउंटेन पे, राइट? इसका नाम है टटाविया माउंटेन्स, मे बी मैंने सही प्रोनाउंस किया है भाई। वहाँ पे स्मगलिंग हो रही है तो क्या लगता है गाइस? हाँ देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेवर को खाना खिलाने के लिए गाड़ी रोकी थी और यहाँ से अपने को जाना है ऊपर, कुछ वो लोग यहाँ से गए थे। अब यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, बंद किया हुआ है, क्यों भाई? वो लोग भी तो गए थे थोड़ी देर पहले। एंड अगर मैं जा रहा हूँ ना गाइस, तो मेरे को थोड़ा ना अलर्ट होकर जाना चाहिए क्योंकि मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। यहाँ तो ऐसा वो अच्छा, हाँ यहाँ पे तो एक डैम है ना, यहाँ पे तो एक डैम है, यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं भाई? वेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये डैम बंद है शायद से, परमानेंट बंद है जहाँ तक मेरे को लगता है ना भाई। यहाँ पे सिक्योरिटी तो होगी। वेट यार, कोई नहीं है भाई। एंड एक सेकेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या वहाँ पे वो वैंस खड़ी है? एक सेकंड रुकना। बाइनोकुलर्स है मेरे पास वो गाइस, ये वही वाली वैंस है, वही वाली वैंस है भाई। पक्का भाई, जो हो रहा है ना यहीं पे हो रहा है। रुको भाई, एक तो ना अपनी मस्टैंग में ना पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है यार, दिक्कत हो सकती है। चलते भाई, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स गो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे दो दो गार्ड्स है। वेट, एक तो उधर मुड़ा हुआ है। ओ नहीं, इन्होंने मेरे को देख लिया है, एक ने मेरे को देख लिया है। भागने का कोई फायदा नहीं है गाइस, एक काम करते हैं, चल करके ना बात करते हैं। मैं बस इन लोगों को नॉर्मली बोलूंगा कि मेरे को ना उस पार जाना है, ऑब्वियसली ये लोग जाने नहीं देने वाले। ओ ये देखो भाई, लगता है वैन से ना अभी सामान अनलोड हुआ है। एक तो मैंने देखा ही नहीं भाई, ऊपर एक स्नाइपर खड़ा किया है इन्होंने। मैं बात करता हूँ इससे, वैसे मेरे इससे बात हो गई है गाइस, एंड इसने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं कोई नहीं जा रहा है इधर से। मेरे को ना पता ही था भाई। एक काम करते हैं गाइस, गाड़ी में बैठते हैं, इधर से निकलते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी हल्की सी पीछे लेंगे। दिख तो नहीं रहा ना तुम लोग को? हाँ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कि अपनी गाड़ी ना भाई यहाँ चढ़ाते हैं एंड छुपा देते हैं। लेट्स गो, अगर उन लोग को मेरी गाड़ी की आवाज़ नहीं आई होगी ना भाई, तब बहुत बेस्ट हो जाएगा। एंड वेट, अगर मैंने अपनी गाड़ी छुपा दी तो फिर मैं जाऊँगा कहाँ से यार? मेरे को ना ओ ओ ओ ओ ओ स्नाइपर का ध्यान रखना पड़ेगा। वेट 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 वेट, ऑलराइट मैं छुप गया हूँ, सही टाइम पर छुप गया हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। देखो ये प्रूफ के लिए इतना तो काफ़ी नहीं होगा भाई, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ना नॉर्मली घूम सकते हैं। मेरे को अगर वो आर्मी वाले सोल्जर दिख जाए ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक सेकंड रुको, यहाँ पे था ना वो स्नाइपर, मैं उसको टेक डाउन कर दूँ क्या? क्योंकि उबे भाई अभी गिर जाता मैं, वो रहा वहाँ पे खड़ा स्नाइपर, उसको टेक डाउन करने के लिए ना मेरे को स्नाइपर चाहिए होगी। एंड मेरे पास स्नाइपर है, एंड फ़ायदा पता है क्या कि मेरे पास सप्रेस्ड वाली है, किसी को आवाज़ तक नहीं आएगी ज़रा सी भी। ऑलराइट मैंने निकाल ली अपनी स्नाइपर। वेट, ये खड़ा वो वाला बंदा। ऑलराइट मैंने उसको मार दिया, आई होप किसी को पता ना चलो। वेट वेट वेट, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ भी नहीं पता चला। ऑलराइट मैंने अपनी स्नाइपर अंदर रख लिया। एंड अगर मैं कैसे करके इन लोग को मार दूँ ना तो मैं आगे जा सकता हूँ, अगर एक को मारूँ तो दूसरे को पता चल जाएगा भाई। मेरे को ना बस एक सही मौका चाहिए भाई दोनों को मारने के लिए। वेट यार, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक सेकंड
उसको कुछ दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। नहीं 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 छुप, वेट ये कवर उतना ना सही नहीं है, काम करते हैं यहाँ पे चल करके छुपते हैं। छुप जा भाई। और वो दूसरे वाला किधर गया भाई? डोंट टेल मी कि उसको मेरे पास शक हो गया एंड वो अंदर रिपोर्ट करने गया है। अगर वो नहीं है ना तो मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास एक रिवॉल्वर है। मर जा बेटा। मैं ना कैसे कैसे करके अगर इसकी बॉडी ठिकाने लगा दूँ ना तो सही हो जाएगा। तो यार मैंने ना इस बंदे की बॉडी उठा करके ना उसको पानी में फेंक दिया एंड गया मैं। क्या इन्होंने मेरे को देखा नहीं? इम्पॉसिबल भाई। भाग 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 गुरु भाग भाग भाग। ये क्या हुआ लिटरली? एक सेकंड, ये तो सही हो गया ना फिर भाई? लाइक व्हाट, इन लोगों को पता नहीं लगा है? एंड ना ये बेस्ट टाइम है यार, अगर मैं कोने कोने से ना भाई उस साइड के लिए निकल गया ना भाई तो सही हो जाएगा। मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे। देखो मैं गाड़ी लेकर के अगर गया तो दिक्कत हो जाएगी, पर आराम से आवाज़ नहीं करते। और राइट गाइस, मैं ना भागते भागते यहाँ तक आ चुका हूँ, मेरे को किसी ने नहीं देखा। लेट्स गो। वहाँ पे ना दो लोग खड़े हुए भाई, एक ना फोन चला रहा है। एनीवेज हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं उन लोग से एंड शायद से ना ये बेस्ट टाइम है भाई प्रूफ निकालने का, क्योंकि रात भी हो रही है, इन लोगों को ना ज़्यादा मैं दिखूंगा भी नहीं। एंड लेट्स सी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक ना सामान चेक कर रहा है एंड दूसरा ना वहाँ पे अपना फोन चला रहा है। रुको 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 रुको, इससे बेस्ट प्रूफ और क्या हो सकता है भाई? लाइक आर्मी ऑफिसर्स एक बंद बड़े डैम में कुछ सामान के साथ क्या ही कर रहे होंगे, वो भी तीन तीन वैन्स। इससे ज़्यादा तगड़ा प्रूफ और क्या ही चाहिए भाई। काम करते हैं, अपना फोन निकालते हैं, फटाफट से इस चीज़ को ना रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलो भाई, मैंने अपना फोन निकाल लिया है। ऑलराइट गाइस, और मैंने ना प्रूफ के लिए जो भी चाहिए था ना वो निकाल लिया है एंड ये ना शायद से काफ़ी होगा भाई प्रेसिडेंट को पूरा का पूरा एक्सपोज करने के लिए कि आखिर वो कर क्या रहा है। क्योंकि अगर ये सब हम लोग टीवी पे दिखा देना कैसे कैसे भी करके, क्योंकि देखो यार लेस्टर तो भाई हैकर है, वो यार किसी भी टीवी पे कोई भी शो चलवा सकता है भाई। जीनियस है, मास्टरमाइंड है, उसकी जितनी तारीफ करो भाई इन सब चीज़ों में उतनी कम है। एंड अगर वो कैसे भी करके इन सबको टीवी पे चलवा देना तो लोगों को शक तो होगा भाई कि कुछ तो गलत हो रहा है। एंड आर्मी वाले कर रहे हैं तो किसी टॉप लेवल के बंदे के कहने पे ही कर रहे होंगे, एंड वो जो टॉप लेवल का बंदा होगा वो पक्का प्रेसिडेंट के कहने पे कर रहा होगा भाई। ये शक ना अपने को लोगों के अंदर जगाना है। एनीवेज हम लोग फिर से एकदम आराम से यहाँ तक आ चुके हैं। अब मेरे को भागना है, मस्टैंग में बैठना है एंड निकलना है भाई लेस्टर के घर। लेट्स गो भाई। मैंने फाइनली प्रूफ जमा कर लिया, आई होप कि यार फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर ने भी कर लिया हो। बैठते हैं भाई मस्टैंग में, निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई अपना काम तो हो गया। वैसे ना मैंने एक को मार दिया, दो को मार दिया, एक ऊपर स्नाइपर भी तो गिरा था। और वैसे वो दूसरा वाला गार्ड किधर चले गया भाई? मेरे को पता ही नहीं लगा यार, वो अचानक से कहीं पे गया एंड फिर भाई चले गया भाई, फिर आया ही नहीं भाई। कितना इजी पीसी अपने को प्रूफ मिल गया यार। एंड ये तो मेरा वाला प्रूफ है, अगर ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने भी अच्छा खासा कुछ ऐसा ठोस सा सबूत जमा कर लिया हो ना तो सही हो जाएगा। वो यहाँ पे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? आई गेस वो लोग किसी और को पकड़ना है। हाँ वो लोग किसी और को पकड़ रहे हैं। लेट्स गो गाइस, फटाफट से चलते हैं लेस्टर के घर। ओ वो बस वाले को, भाई मैं निकला यहाँ से, मैंने अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं है, पर हमें को पुलिस वाले पसंद नहीं। हटा ले लेस्टर ना। बेसिकली भाई तीनों के प्रूफ्स को मिला करके ना भाई कुछ तो करने वाला है। यहाँ से गाड़ी ऊपर लेकर के जानी है एंड उसके बाद राइट वाला कट, डन भाई। चलो गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं एंड अपना जल्दी जल्दी से चलते हैं भाई लेस्टर के घर पे। वैसे भी रात हो रही है, गाड़ी का कोई इतना खतरा है नहीं भाई चोरी वोरी होने का। लेट्स गो गाइस, हम लोग आ चुके हैं लेस्टर के घर के अंदर। कहाँ है भाई? ओ ये रहा ये रहा भाई, तो फोन पे कुछ काम कर रहा है। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है भाई? वो फोटोज खींच रहा है भाई सीसीटीवी कैमराज की, क्या पता उसको क्या ही दिख गया। एनीवेज ट्रेवर वेट, वो कहाँ पे है? नहीं वो यहाँ पे तो नहीं है। एंड जब मैं आया तो मेरे को सामने वो नहीं दिखा भाई, उसकी बोतल वोतल तो भाई लगता है ना वो भी प्रूफ जमा करने के लिए गया, उसको मार पीट के भेजा हुआ इन्होंने। एंड वैसे अगर फ्रैंकलिन वापस आ गया है तो उसका ये मतलब है कि इसको भी प्रूफ मिल चुका है गाइस। अब बस बारी है ट्रेवर की, वो कब आएगा यार। तो यार थोड़ी देर वेट करने के बाद ना फाइनली ट्रेवर भी आ चुका है एंड हम तीनों ने अपना काम भाई बेस्ट तरीके से कर दिया। एंड जब हमने इससे पूछा भाई इस ट्रेवर से कि भाई तेरे को इतनी देर क्यों हुई, तो ये कह रहा है कि इसकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी थी तो ये उसको पीट रहा था। भाई अपने को लगा ना इसको पुलिस ने पकड़ लिया भाई, क्या बंदा है भाई। एनीवेज हम तीनों ने ला करके ना भाई इसको एविडेंसेस दे दिए एंड हाँ अभी ना सबको मिला करके एक पेन ड्राइव बनाने वाला है एंड उसी पेन ड्राइव के थ्रू हम लोग ब्लैकमेल करेंगे प्रेसिडेंट को। तो यार फाइनली काफी देर के बाद लेस्टर ने उस बंदे से कॉन्टैक्ट कर लिया, प्रेसिडेंट से, एंड उसको इसने बता दिया कि बेटा देख ले अपने पास है पेन ड्राइव, इसमें है तेरे खिलाफ सारे के सारे सबूत, अगर तू अपने को $10 million नहीं देगा तो ये सारे सबूत टीवी पे आ जाएंगे भाई। एंड ऑब्वियस सी बात है वो बंदा डर गया, बहुत ज्यादा डर गया भाई। लेट्स गो भाई, सबको छोड़ो, ये इतने गुस्से में क्यों है भाई? तो क्या पागल वागल हो गया क्या? बाकी तो भाई फ्रैंकलिन तब से किसी को कॉल करने की कोशिश किया जा रहा है, वो अगला उठा ही नहीं रहा फिर भी ये करे जा रहा है। तो गाइस यार लेस्टर की बात हो चुकी है प्रेसिडेंट से, उसने कह दिया भाई कि यार वो $10 million देने के लिए प्रॉपर तैयार है यार। एंड अपने को ना अभी एक बिल्डिंग में जाना है जो कि यार फुली कंस्ट्रक्टेड अभी है भी नहीं, मतलब वो ना अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है एंड जिस लोकेशन पे अपने को जाना है ना भाई वो लेस्टर ने डिसाइड करी है। एंड ये वाला जो काम है ना गाइस ये मेरे को अकेले करके आना है। पेन ड्राइव से मैंने ले लिया,
से यहाँ से निकलते हैं। तो यार मैं पेन ड्राइव लेकर के बाहर आ चुका हूँ, अपनी मस्टैंग में बैठते हैं एंड निकलते हैं उस वाली बिल्डिंग के लिए भाई। लाइक $10 million भाई अपने आप ही चल करके आ रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई दिमाग चलाना। प्रेसिडेंट से पैसे निकलवा रहे हैं भाई हम लोग, चलते हैं भाई वहाँ पे। ऑलराइट मैं गाड़ी लेकर के मेन रोड पे आ चुका हूँ, अब भगानी है भाई अपने को गाड़ी। वो जगह ना ज्यादा दूर नहीं है भाई, पास में ही हम लोग फटाफट पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं है। यहाँ से गाड़ी इधर घुमाते हैं, डन। चलो भाई अब अपने को यहाँ से बस गाड़ी स्ट्रेट लेकर के जानी है। एंड पता है गाइस हमने ना कोई सुनसान सा इलाका चूज नहीं करा है, हमने ना भाई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चूज करी है जो कि शहर का ना मतलब अप्रॉक्सीमेटली बीच में है भाई। क्योंकि ना अगर कोई सुनसान सी जगह मैं चुनता वो पक्का अपने को मरवा देता, बिकॉज मैं अकेले जा रहा हूँ। वेट 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 मेरे को जाने को। अबे यार मस्टैंग का एक्सीडेंट करवा दिया भाई, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है पर यार बुरा लगता है भाई, गिफ्ट मिला है भाई अपने को, आज ही थोड़ी ना तोड़ देंगे। तो गाइस यार हम लोग ना पहुंच चुके हैं उस वाली बिल्डिंग पे, ये रही वो वाली बिल्डिंग जिसका ना अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एंड यहीं पे अपने को जाना था। एंड क्या वो वैन में आया भाई, प्रेसिडेंट होके वैन में घूम, क्या इज्जत है भाई इसकी। एक काम करते हैं बैरिकेड छोड़ते हैं आके। वेट भाई हमने जो अपनी मीटिंग है ना भाई वो ना सेकंड फ्लोर पे डिसाइड करी है, ये ग्राउंड वाला फ्लोर है, गाड़ी यहीं पे खड़ी करते हैं। एंड ये ऐसी बिल्डिंग है ना भाई, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ना अभी तक स्टेयर्स बनी ही नहीं है, अपने को ना लैडर से लेकर के जाना पड़ेगा। चलो फिर भाई चलते हैं। ये आ गया भाई अपना पहला वाला फ्लोर, इसके बाद वाले फ्लोर पे ही है प्रेसिडेंट $10 million के साथ एंड ये शायद से दूसरे वाले फ्लोर पे जाने का रास्ता है, फटाफट चलते हैं भाई इस पे। भाई लेस्टर को कोई ढंग की जगह नहीं मिल गया भाई, ये क्या जगह है भाई। ठीक है यार जो भी है लेट्स गो। फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, मे बी वहीं पे है क्या बोलो। ओह ये प्रेसिडेंट है, एक सेकेंड यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स दिख रहे, ये ठीक बात है पर ये प्रेसिडेंट है क्या, मतलब वैसे देख करके लग नहीं रहा यार। वैसे तो मेरे को लेस्टर ने बोला था कि प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बना है पर ये नहीं लग रहा यार। एनीवेज बात करते हैं इससे। तो चलो फिर यार अपनी ना इससे बात हो चुकी है एंड इसने मेरे को कहा कि ये ब्रीफकेस लेकर के तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ तो नहीं बोला, निकल जाओ बोल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही अकड़ करके बात कर रहा है। फिलहाल पेन ड्राइव मैंने इसको दे दिया, फटाफट से ब्रीफकेस उठाते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं। तो मैंने इसके पास से ब्रीफकेस उठा लिया एंड हाँ गाइज आप लोग भी सोच रहे होंगे एंड मैं भी यही सोच रहा था कि इतने ऐसे ब्रीफकेस में भाई $10 million कैसे आएंगे भाई। इसने मेरे को बताया कि इसके अंदर डायमंड्स भरे हुए हैं $10 million के। भाई लाइक क्या है भाई, मैंने इसको पेन ड्राइव दे दिया एंड मैंने सामान ले लिया अपना, मैं इधर से निकल रहा हूँ भाई, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। फटाफट चल करके अपनी मस्टैंग में बैठते हैं इधर से निकलते हैं। एंड ये तो भाई अपने हेलीकॉप्टर से आया तो ये हेलीकॉप्टर से निकल जाएगा। एंड चलो यार हम लोग फाइनली नीचे आ चुके हैं, फटाफट से चल करके बैठते हैं भाई अपनी मस्टैंग में एंड इधर से निकलते हैं भाई। मतलब प्रॉपर सही डील हो गई है यार, मजा आ गया भाई लिटरली। ऑलराइट मैं अपनी गाड़ी में आकर के बैठ चुका हूं भाई, फटाफट से ना गाड़ी निकालते हैं यहां से बाहर। ओ नो, नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर द प्लान बी। देखो तुम लोग मेरी बात सुनो, मैं भले ही अकेले जा रहा हूँ लेकिन तुम लोग को मेरे पीछे पीछे आना है ठीक है, और उस बिल्डिंग पे नजर रख। अबे भाई बात को सीरियस ले, इसको मैं मार दूंगा अभी। हाँ तो तुम लोग को उस बिल्डिंग पे नजर रखे हुए रहना है और अगर कुछ गड़बड़ होती है मैं ट्रेवर तुझे मिस कॉल करूंगा। अबे इसको फ्रैंकलिन मैं तुझे मिस कॉल करूंगा। तुम लोग दोनों प्रेसिडेंट की गाड़ी के पीछे जाना और उसको पकड़ के उससे पेन ड्राइव छीन लेना, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वो पेन ड्राइव लेने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करने वाला है ठीक है। फ्रैंकलिन तू समझ गया ना, इसको तो भाई इससे बोलना ही बेकार है, तू समझ गया ना भाई, आई होप तू समझ गया होगा। मेरे को जितनी जल्दी हो सके भाई यहाँ से गाड़ी भगानी पड़ेगी। एंड रुक जाओ भाई, उसने अपने साथ चीटिंग करी है ना, एक सेकंड रुको मेरे को फ़ोन मिलाने दो फ्रैंकलिन को। ऑलराइट गाइस सर मैंने फ्रैंकलिन को फ़ोन मिला दिया एंड भाई वो अब नहीं छोड़ने वाला भाई। भाई वो लोग हेलीकॉप्टर से निकले, क्या पता वो लोग कैसे ही पकड़ने वाले उसको। ओ नो भाई ये पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं भाई मेरे को ढंग से पता है भाई। लेकिन वेट इलीगल काम तो वो कर रहा है ना, मैंने तो पैसे लिए, बात किसी को पता भी नहीं होगी शायद से। अबे भाई क्या कर रहे हैं यार, भाई मैंने पैसे लिए बात तो किसी को पता भी नहीं होगी। नहीं 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 मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से भाई। लेकिन यार पुलिस वाले इसका साथ क्यों देंगे भाई, क्योंकि यार देखो पुलिस को भी अगर ये खरीदेगा तो मतलब कुछ पुलिस को ही खरीद सकता है, पर अगर सारे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं इसका मतलब सारे बिके हुए नहीं भाई, यार सबको कैसे खरीद लेगा भाई मेरे को ना भाई। तब तक इन लोग से भागना पड़ेगा ना जब तक मेरे को फ्रैंकलिन फोन करके ये नहीं बताता कि उन लोग को पेन ड्राइव मिल गई है वापस। वेट 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 भाई मैं सोच रहा था ना कि सब कुछ भाई कितनी शांति से हो गया, मेरे को लगा ही था भाई ऐसा कुछ होगा यार, सब कुछ इतनी शांति से हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। $10 million भाई मायने रखते हैं, मेरे को कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी ना जहाँ से मैं इजीली इन लोग से एस्केप कर सकूं। वेट भाई भाई मस्टैंग वैसे होती तो बहुत स्ट्रांग है भाई, इस गाड़ी को कुछ होने वोने तो वाला नहीं है मेरे को पक्का पता है, भले ही लोग कितनी भी टक्कर मार ले भाई बस उन लोग को ना पेन ड्राइव मिल जाए। भाई देखो मेरे को पुलिस की टेंशन नहीं है भाई, बस उन लोग को ना पेन ड्राइव मिल जाए कैसे भी करके। भाई लिटरली भाई पाँच पाँच पुलिस की गाड़ियाँ मेरे, अबे यार क्यों मारे जा रहा है गाड़ी अपनी, अरे क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, छोड़ दो भाई छोड़ दो, एक बार पेन ड्राइव मिल जाए ना उसके बाद इन लोगों को बता रहा हूँ मैं। भाई फ्रैंकलिन फ़ोन क्यों नहीं कर रहा भाई, प्लीज़ फ़ोन कर दे यार कि पेन ड्राइव मिल गई है यार, प्लीज़ यार मैं तब तक इन लोगों को लूर करके रख पाऊँगा अपने पीछे।
वो नहीं लोग बाद में दिक्कत कर सकते यार, मैं क्या करूँ भाई। तो यार अभी ना मेरे को फ्रैंकलिन का फोन आ चुका है बेटा, तुम लोग को लग रहा था ना तुम लोग मेरे पीछे आ रहे हो, एक्चुअली मैं तुम लोग को अपने पीछे आने दे रहा था। बाय 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 बाय। अब देखना भाई, अब गाड़ी ऐसी भगाऊंगा ना यार, इन लोग को स्टिल लग रहा है, ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे। आ जाओ बेटा आ जाओ, सब बने देखो भाई तुम लोग, अब नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा आ जाओ आ जाओ, मेरे को पकड़ो मेरे को पकड़ो मेरे को पकड़ो। अरे यार मेरे को पकड़ लिया भाई इन्होंने मेरे को, अब यार मैं कैसे भागूँ यहाँ से। कम ऑन कम ऑन, आ जाओ यार, पेन ड्राइव मिल गई है भाई, अपने को ना बस यहाँ से निकलना है। मैं निकल सकता हूँ अभी, पर मैं इन लोग को दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग किसका पीछा कर रहे थे उतनी देर से। अबे भाई तुम लोग पकड़ोगे मेरे को हैं, तुम लोग आ जाओ इधर इधर इधर। चलो चलो बाय 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 बाय। भाई लोग सोच कैसे ले रहे हैं, लोग मेरे को पकड़ लेंगे। लो भाई सामने से गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, पकड़ो 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 पकड़ो। अब ये लोग फायर क्यों नहीं कर रहे, इन लोग को पकड़ने का ऑर्डर है क्या भाई, फायर करने का नहीं रखता है। देखो भाई सब बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, मेरे को फटाफट से इन लोग के पास से निकलना पड़ेगा, बस मैं ज़्यादा देर तक इन लोग के पास रहना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना भाई मेरे को पुलिस वाले पसंद नहीं है। लेट्स गो, तुम लोगों को अभी भी लग रहा तुम लोग मेरे को पकड़ लोगे हैं, आ जाओ आ जाओ बीच वाले रास्ते पे आ जाओ। चलो भाई अब तुम लोग को थोड़ा बीच घुमाऊं मैं यहाँ पे। अबे भाई लग भाई चार चार का, अबे टक्कर कैसे मार रहा है भाई, टक्कर वक्कर नहीं मारना। ओ नो, मैंने गलती कर दी, मेरे को कुछ भी करना था, गाड़ी यहाँ लेकर के नहीं आना था भाई, यहाँ पे ना भागने का बस एक ही रास्ता है एंड वो इन्होंने पैक कर लिया है। अबे भाई नहीं 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 नहीं, दिक्कत हो गई भाई, एक गाड़ी पीछे है सामने, इन्होंने पूरा पैक कर लिया है। ओ नो, मैं गया। सरेंडर। हेलो सरेंडर, क्या कर रहे हैं ये लोग?